आवर सेकंड लैब्राडोर इज प्रेग्नेंट गाइस। कैसे आ जाओ सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। क्या वो अभी ना मैं यार उठा तो उठते यार मैं बाहर देखा बाहर घेस आ रही थी आंधी। फिर मैंने फोन चेक किया फोन भाई कार का बोले भाई आ जाओ जिम। फिर मैंने सोचा यार आंधी आ रही है ऐसे वैसे। फिर यार मैंने सोचा कि ये डेडिकेशन टूट के ना गई जिम वाली तो काम बन जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं जाऊँगा मैं। फिर कहा मैं जल्दी सब तैयार हुआ मुँह आ दो मैं गई चलता हूँ जिम एक बार मैं बाहर मौसम दिखाता हूँ ये देख सकते हो। पहले तो यार मैं सोचा यार ऐसे ऐसे हम दिया। फिर मैं सोचा यार अपने कौन से पैदल जाना है यार गाड़ी में जाना है कोई चक्कर नहीं है चल पड़ेंगे। वैसे भी गाइस चलते हैं पर जिम आंधी उंधी आ तो रही है पर कोई सीन नहीं है यार चलते हैं कोई चक्कर नहीं है। जिम मारनी है तो मतलब मारनी है गाइस कोई चक्कर नहीं चाहे आंधी हो चाहे बारिश हो कुछ यार। मैं साथ में ये पैक कर रहा हूँ चीनी ये देख सकते हैं यार ये ना गाइस कल रात को भिगोए थे यार। मैं मान लो स्कूल लेके जा रहा था फिर टिफिन घर पर रह गया गाइस ये मैंने यार पैक कर लिया किसी ने नहीं खाया सुबह खाने के लिए सुबह थोड़ी बहुत ही खाए थे अभी गाइस मैं साथ लेके चलता हूँ जिम मार के खाएंगे गाइस ये गाइस देख सकते हैं रेखा जिमी गाइस आप कहते ना कि इसको केज में रखते हैं वैसे देख सकते हैं गाइस खुली यार नहीं मैंने आपको उसको बार बोला गाइस वो देख सकते हैं खुली तो छुट्टियां नहीं चल रही है जल्दी से भाग के गेट खोलना पड़ेगा यार। गाइस यार क्या करें यार ये देख सकते हैं यार आपकी ये गेट बंद हो गया है यार। ओ गाइस अब यार कुछ देर रहते में कौन उतरेगा यार बड़ी मुश्किलों से खोला था यार मैंने भाई धन्यवाद यार वो कुल्फी वाले भाई मिल गए उनको मैं कहता हूँ भाई खोलना खोलना यार यार गाइस गुरिंदर भगवान ने साथ दे दिया यार भाई यार भाई खोल दे यार देख गाइस यार कितने दिलदार बंदे हैं यार भाई का भाई खोल दे यार भाई प्लीज यार थैंक यू भाई यार आपको भगवान जरूर देखेंगे। ये मोहित कुल्फी वाले भाई इनकी आइसक्रीम कहीं भी आपको मिल जाए इसको खोल दे भाई अरे इसको पकड़ ले पीछे से। हाँ धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब धन्यवाद 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 ये गाइस मोहित आइसक्रीम वाले ये भाई कहीं भी आपको मिल जाएंगे फुली बिक्री करा देना यार बेचारों के फुली मान लो ऐसे यार दिलदार बंदे हैं ऐसे एक मिनट लगी बेचा बापड़ों ने खोल दिया ऐसे कोई नहीं खोलता गाइस। इन दिनों यार जो ये रोड है ना मैं भी जा रहा हूँ इधर जो मान लो अपने ये चब्रवाड़ से कुपर के बीच का ये गाइस फुली बिजी हो चुका है क्योंकि यार भी ना आपको पता है जैसे सीजन वगैरह है कनक का सरसों और इन सभी चीजों का तो वो बिक रहा है तो इधर गाइस फुल ट्रक चल रहा है आजकल फुल बहुत ज्यादा। अभी तो गाइस यार वो इधर लाइन वो शायद छोटी हो गया है पहले गाइस सुबह लाइन लगी हुई थी इधर वो जो आगे दिख रहा है ना यहाँ तो मोड़ है यहाँ मोड़ तो गाइस बहुत ज्यादा बिजी रोड हो चुकी है गाइस ये वाली मान लो यहाँ से ना आदमपुर से मान लो ट्रक जाते हैं बट्टू बट्टू है फैक्ट्री तो ये इसी रोड से जाते हैं वो बीच वाले जो सेकुपुर वाले रोड है वो तो है फुटी हुई है सारी गाइस तो वहां से जाते नहीं यहाँ से जाते बहुत ज्यादा बिजी रोड हो चुका है गाइस। मैं रुको मैं तो यार यहाँ इधर से मुड़ जाता हूँ मैं रुको मैं आपको दिखाता हूँ ट्रक होंगे शायद अभी वो देखो आपको वाइट से दिख रहे ना वो गाइस वहां तक लाइन लगी हुई है यार वहां से जाने का बहुत दूर काम है यार तो मैं तो यहाँ से चल जाता हूँ गाइस यार। जिम आ गए हैं यार एक बार ये अपने डाइट खा लेते हैं यार कैसे यार कितनी प्रोटीन वाली डाइट होती है मान लो प्रोटीन खाते उसके बराबर ही होती है क्या भाई वाली होती है उससे 5-10% कम नहीं होती है ये खा लिया अगर प्रोटीन के बराबर ही है यार और वीडियो खा के मारेंगे जिम लोअर क्या है बढ़िया भाई लोअर में से नहीं होते यार तेरे को अनकंफर्टेबल फील कितना मान काम पे पाए थे तीन एक्सरसाइज हो गई है यार पहले तो वो दो की थर्ड ये वाली कर ली बेंच पे ये आपको पता है यार धूप आए आंधी आए बारिश आए कुछ भी आए कोई चक्कर नहीं है एक बार आपको मैं बाहर दिखाता हूँ मौसम तुषार है क्या हाल है भाई साहब मार ले कर को जिम जिम यार जिम जिम अपने बस निकल भाई भाई को यार कोई दिक्कत को नहीं मार ले कर यार एकर एकर शरीर पे ना एकर शरीर बन गई और देख ले उधर तेरे कमजोर है मारने ना भाई यार मेरे को कमजोर को नहीं तू भाई भाई साहब देख ले बिना की करेगा तू जो दे मोटू फोटू सही है मारे कर कोई चक्कर को नहीं अभी डील है भाई वो डील है वो डील क्या डील है वो भाई की बहस सुना दे थोड़ी गाइस फोर्थ एक्सरसाइज टेस्ट की फिफ्थ एक्सरसाइज चेस्ट की
एक्सरसाइज हमने मान लो ये ऐसी थी, बिना वेट डाले गाइस सेकंड मारे हैं। पहले तो गाइस बिना वेट मारी थी, अभी हमने 10 किलो वेट डाल लिया है गाइस। पहले ये प्लेट सी थी 5 किलो की, ये 10 किलो की है। अभी इसको अभी मारते हैं गाइस, देखते हैं कैसे लगती है नहीं लगती। बेसिक्स एक्सरसाइज या चेस्ट स्ट्रेच, लास्ट एक्सरसाइज है चेस्ट स्ट्रेच। 520 पे आए थे गाइस और 635 पे जा रहे हैं यार। उधर देख सकते हैं गाइस, वो मान लो रोड बंद करके उधर सड़क के बन रही है गाइस। मान लो काम इस बार फुल जोरों शोरों से गाइस, वो देख सकते हैं उधर रोड बंद है गाइस, उधर मान लो काम चल रहा है गाइस, नई सड़क बन रही है यार। सही है गाइस यार, प्रोग्रेस हो जाए तो यार बढ़िया हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा गाइस पर अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी गाइस। अपने मान लो शहर थोड़े सालों में कुछ अलग ही दिखेगा गाइस। बैठने का टाइम हो गया है गाइस अभी ना यार। हम मान लो बनाना शेक बना रहे हैं, बनाना शेक के अंदर हम ये मान लो किशमिश डालते हैं यार। किशमिश बादाम तो यार गाइस गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा यार। और एक तो हम गाइस मान लो डाइट में लेंगे अपने बनाना शेक, और साथ में गाइस ये मान लो पनीर को फ्राई करके एक वो मान लो यार एक कच्चा पनीर है वो उसमें टेस्ट नहीं आता यार। मान लो पनीर को थोड़ा फ्राई करके फिर मान लो यार अच्छा टेस्ट भी आ जाता है, और अपने मान लो न्यूट्रिशन भी कम्प्लीट हो जाते हैं। और साथ में कोई यार अनार वगैरह को देखते हैं यार। सेब तो यार उस दिन मिले नहीं थे गाइस, सेब तो नहीं मान लो पीते हैं, बढ़िया लेते हैं डाइट गाइस। दिस इज आफ्टर जिम डाइट। कीवी देख सकते हैं गाइस, पनीर पनीर को गाइस फ्राई करा है। फ्राई करने के बाद मान लो ये अंदर प्रोटीन होता है वो तो आता है गाइस, मान लो थोड़ा साथ में टेस्ट बन जाता है यार, कच्चा खाया नहीं जाता। साथ में है गाइस बनाना शेक देख सकते हैं यार। आप इतना मान लो यार ये मिक्सी भरी हुई है, इतना पी लें गाइस हम, ये नंबर यार। मान लो जिम में जो वर्कआउट करते हैं वो यार कहीं ना कहीं से तो आपको मैंने बताया था पूरा करना। अब मान लो गाइस यार मैंने आपको क्या बताया, 40% वर्कआउट 60% डाइट। अभी गाइस डाइट फुल जोर है, मान लो यार अभी ये इतना कुछ मान लो डाइट ले लेंगे, फिर एक डेढ़ घंटे के बाद हम पर फिर मान लो डिनर कर लेंगे। आज गाइस मैं आपको जो अपने पास लैब्राडोर है उसकी भी डाइट दिखाऊंगा, कि आप पूछ रहे थे कि हाँ भाई वो ऐसे इतनी तकड़ी कैसे, उसको आप क्या डालते हो गाइस, उसको बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें डालते हैं, वो पेडिग्री डालते थे कभी कभी। अब मैं उसको डिनर डालूंगा ना गाइस, अपनी जो लैब्राडोर है उसको आपको दिखाऊंगा गाइस। ये देख सकते हैं गेट पड़ा है गाइस खुला, ये खुद की मर्जी से अंदर बैठ जाते हैं। आजा बेटा आजा जिमी जिमी हो गाइस। मैं देखो गाइस मान लो जिम गया जब ये खुली थी, बस इसको मान अपने आप ही बैठ जाती है अंदर, इसका मन करता जो देख सकते हैं गाइस यार बहुत खुश है इसकी। आज मैं आपको डाइट दिखाऊंगा हम इसको क्या डालते हैं गाइस। मेरे को जो अपने पास लैब्राडोर है सेकंड जिमी, इसको देख के लग रहा है कि गाइस ये है प्रेग्नेंट, आवर सेकंड लैब्राडोर इज प्रेग्नेंट गाइस। देख सकते हैं गाइस यार, अरे जिमी तेरे पेट के हाथ लगा दे क्या गाइस। देख सकते हैं इसका पेट भी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है। इसकी भाई और वो मैटिंग तो करवा के लाए थे गाइस, पर कंफर्म नहीं था हमको कि इसके बच्चे होंगे या नहीं होंगे गाइस, क्योंकि एक ही बार करवा के लाए जो अपने मान लो जो दूसरे लैब्राडोर के बच्चे उसके, तो गाइस दो बार मैटिंग करवाई थी तभी कंफर्मेशन थी हमको पूरी। तो इसकी गाइस एक बार मैटिंग करवाई तो पता नहीं यार, क्या पता बच्चे हो ही जाए अपनी लैब्राडोर के यार। एक मंथ हो गया मैटिंग करवाए यार, वज मीन अपने लैब्राडोर के पेट से क्या पता लग रहा है गाइज आपको ये प्रेग्नेंट है या नहीं है गाइज। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एक बार आप आपकी राय की यार। मेरे को तो गाइज यार पता है, निकल गाइज डॉक्टर को बुला के चेक करवाएंगे अपने लैब्राडोर यार। गाइज कुछ तो यार ये ना अपने लैब्राडोर यार माती बहुत ज्यादा है, इस वजह से यार इसका पता नहीं लग रहा यार। हमारे लैब्राडोर के नाइट की डाइट मैं आपको बताता हूँ गाइज, ये है पेडिग्री। पेडिग्री का गाइज हमने नाप बना रखा है, ये नाप है, नाप के हिसाब से डाल रखे हैं। एक कप डाल दिया गाइज, अभी ये ना बना रखे गाइज हमने पूरा ढंग से यार। अभी दूसरा कप, अब दो हो गए और थोड़ी सी और गाइज पेडिग्री डाल दी इसके अंदर गाइज। ये ना जो हमारी लैब्राडोर है ये पनीर वगैरह नहीं खाती, पनीर डाले पनीर यार इतना खुश होकर नहीं खाती। तो गाइज हम इसको यार मान लो सिंपल जो दूध होता है ना वो दूध, ये देख सकते हैं दूध डाल दिया है बढ़िया अभी, और साथ में दो तीन रोटी ये चूर देंगे, बहुत अच्छे से खुश होके खाएगी गाइस यार अपनी लैब्राडोर। अभी ना गाइस ये मान लो जो पेडिग्री है इसको मान लो अभी मैं 15-20 मिनट इसके अंदर छोड़ दूंगा, ये मान लो पूरी ऐसे भीग जाएगी, फिर ये मान लो यार अभी कल्टी है यार ये पेडिग्री, ये फिर मान लो पूरी ऐसे सॉफ्ट सी हो जाएगी ना। तो बस गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा।